हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संदीप और स्वागत है आपका फिर से एक बार टच प्लस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे अपने YT स्टूडियो को यानी कि अपने यूट्यूब चैनल के डैशबोर्ड को हिंदी में कैसे कर पाएंगे, हिंदी में ही नहीं अपनी पसंद की भाषा में कैसे करें। लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ हिंदी में करके दिखाऊंगा, उसी तरीके से जो भी आपको भाषा पसंद आती है, जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में आप अपने डैशबोर्ड की भाषा को उसी लैंग्वेज में कर पाएंगे, फुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखना, तभी दोस्तों आपको सब पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों हम बिना देर किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए मैं आपको बताता हूँ अपने YouTube चैनल के डैशबोर्ड की भाषा को कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखते हो मैं आ गया अपने फोन की स्क्रीन पर और आपको आ जाना है यहाँ पर, आपको अपने क्रोम ब्राउजर में जाना होगा। मैं अपने क्रोम ब्राउजर पे जाता हूँ इस तरह से और ये मेरा एक न्यू पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर सर्च और टाइप वेब एड्रेस लिखा मिल जाता है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद YouTube.com लिखूंगा। तो लिख लेता हूँ दोस्तों, जैसे ही मैंने YOU इस तरीके से लिखा तो YouTube.com लिखकर आ चुका है, क्योंकि मैं इस पर बार बार लिखता रहता हूँ, सर्च करता रहता हूँ और आपके में इस तरीके से लिखा नहीं आता है तो लिख लेना है। और यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, ये जो लिखकर आ चुका है YOU और ये इतना मैंने लिखा है और बाकी TUBE.com ये जो है ना ये सेलेक्ट है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको सेलेक्ट नहीं रखना है, सेलेक्ट रखेंगे वैसे ही सर्च कर देंगे तो ये डायरेक्ट आपके YouTube एप्लीकेशन में ले जाके रख देगा या फिर किसी दूसरी साइड पे ले जाके रख देगा, जाके ये YouTube चैनल का डैशबोर्ड ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पर आगे की ओर टच कर देंगे ऐसे, तो ये क्या होगा कि ये दोस्तों देखते हो सेलेक्ट हुआ, हट चुका है, या फिर अपना पूरा टाइप ही कर लेंगे और उसके बाद में ही सर्च करेंगे। तो अब चलिए मैं सर्च करता हूँ, सर्च पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से मेरा यूट्यूब ओपन हो चुका है, देख सकते हो। और अब इसके बाद में ये ऊपर जो चैनल के लोगों के ऊपर ये 3 डॉट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखते हो इसको डेस्कटॉप साइड पे क्लिक करना होगा, डेस्कटॉप साइड पे क्लिक करना अनिवार्य है, ये बॉक्स जैसा बना है इसको टिक कर देना होगा ऐसे बस। अब दोस्तों मेरा चैनल है ना डेस्कटॉप साइड पे हो चुका है, मेरा जो ये ब्राउजर है ना डेस्कटॉप साइड पे हो चुका है, जिस तरीके से लैपटॉप या कंप्यूटर में PC में ओपन होता है उस तरीके से ओपन हो गया मेरे फ़ोन पर। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये मेरा जो चैनल का लोगो बना हुआ मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा आपके अपने YouTube चैनल के लोगो पे। तो मैं अपने लोगो पे क्लिक करता हूँ, मैंने अपने YouTube चैनल के लोगो पे क्लिक किया। उसके बाद में यहाँ पर देखते हो यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश इंडिया, मेरे ये चैनल पे जो लैंग्वेज है ना इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट है, यानी कि मैं इंडिया से हूँ इसलिए मैंने अपने चैनल को इंग्लिश में चला रहा हूँ, मैं अपने चैनल को इंग्लिश में रख रखा हूँ इसलिए मेरे चैनल पर जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में आ रहा है। अब आपको यहीं पे क्लिक करना होगा, आपके में कोई भी लैंग्वेज लगी हो सकती है, और ऐसा नहीं मेरे में इंग्लिश इंडिया लिख के आ रहा है तो आपके में इंग्लिश इंडिया लिख के आएगा। अगर आपके में इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट होगी लैंग्वेज तो इंग्लिश इंडिया लिख के आएगी, मतलब जो भी लैंग्वेज आपके में सेलेक्ट होगी वो लिख करके आएगी। तो आपको यहाँ पर नीचे से देखते हो 1 2 3 4 5 6 छोड़ के 7वें नंबर पर ऑप्शन मिल जाता है और इसी पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखते हो मैंने जैसे इंग्लिश इंडिया पे क्लिक किया, यहाँ पर देखते हो बहुत से यहाँ पर लैंग्वेज आ चुकी हैं नीचे से ऊपर तक। ये दोस्तों देखते हो बहुत सी लैंग्वेज, ये यहाँ से नीचे तक बहुत सी लैंग्वेज हैं। जो भी लैंग्वेज में आप अपना लगाना चाहते हो, अपने डैशबोर्ड को करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर कर लेता हूँ हिंदी में, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कहीं हिंदी है क्या, ये हिंदी का ऑप्शन मिल जाता है, मैं हिंदी पे करता हूँ क्लिक। मैंने हिंदी पे जैसे ही क्लिक किया दोस्तों यहाँ पर देखते हो मेरा पूरा ये डैशबोर्ड हिंदी में हो चुका है। अब फिर से मैं अपने चैनल के लोगों पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ मेरा जो लैंग्वेज चेंज हुआ है या नहीं चेंज हुआ है। तो मैंने यहाँ पर फिर से अपने चैनल के लोगों पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर अभी देखते हो मेरा जो चैनल का डैशबोर्ड है ना पूरा हिंदी में आ चुका है, देखते हो यहाँ पर ये पूरा देखते हो हिंदी में आ चुका है। अब मैं जहाँ पर भी क्लिक करूँगा अपने डैशबोर्ड पे जाऊँगा पूरा मेरा हिंदी खुलेगा। तो इस तरीके से अपने YouTube चैनल के डैशबोर्ड की लैंग्वेज को है ना अपनी पसंद की लैंग्वेज में कर सकते हो, मैंने आपको करके दिखा दिया। बस सेम प्रोसेस है, आप जिस भी कंट्री की लैंग्वेज लगाना चाहते हो या फिर जो भी भाषा लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो, मैंने यहाँ पर हिंदी किया है तो मेरा ये हिंदी में हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो भी आपको बताया सब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।